जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी पे भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, आप सभी पे भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे। मंत्र जप करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि मंत्र का जो जपने का स्थान है उसको परिवर्तित मत करिए। जहाँ पे आप मंत्र जपते हैं, जिस स्थान पे मंत्र जपते हैं, वो नहीं बदलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो भी जिस दिशा में आप मुँह करके मंत्र जप करते हैं, जैसा कि आपको बताया गया होगा कि आप इस दिशा में मुँह करके आप मंत्र जप करिए, उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में, तो उसी दिशा में ही मुँह करके मंत्र जप करना है। बार बार दिशा नहीं बदलते हैं। तीसरा क्या होता है, जो आपका आसन होता है उस आसन को भी नहीं बदलना चाहिए। आसन थोड़ा सा मोटा रखना चाहिए, जिससे आपके जो मंत्र की ऊर्जा है जो आप में समाहित हो रही है वो ज़मीन में ट्रांसफ़र नहीं होगी या ज़मीन में समाहित नहीं होगी। इसलिए आसन को थोड़ा सा मोटा रखिए। तो आसन भी एक होना चाहिए। आपको अपनी माला भी बार बार नहीं बदलनी है। ऐसा नहीं कि आज रुद्राक्ष की माला से मंत्र जप कर लिया तो कल स्फटिक की माला से कर लिया, उसके बाद फिर तुलसी की माला से कर लिया, तो ऐसा भी मत करिए। एक नियम बनाइए, अगर आप रुद्राक्ष की माला से मंत्र जप करते हैं तो रुद्राक्ष की माला से ही मंत्र जप करिए। जिस भी माला से आप जप करते हैं, जिन भी देवी देवताओं का आप जप कर रहे हैं, उनसे संबंधित मालाएं होती हैं, तो उनके मंत्र उन्हीं मालाओं से करना शुभ रहता है। वैसे तो आप किसी से भी करेंगे तो भी फल मिलेगा। अगर आपका तपोबल बढ़ता जा रहा है या आपके अंदर कोई असीम ऊर्जा समाई हुई है तो आप किसी भी माला से करेंगे तब भी उसका फल मिलता रहता है। लेकिन क्या होता है कि आपको भी पता है कि जो व्यक्ति वीडियो देख रहे हैं या जो व्यक्ति वीडियो से जुड़े हुए हैं, चैनल से जुड़े हुए हैं, वो कोई बहुत बड़े तपस्वी नहीं होते। सभी ग्रस्त होते हैं, सभी अपने जीवन की दिनचर्या करते हैं, अपने परिवार को पालने के लिए दिन भर मेहनत करते हैं और समय निकाल के पूजा पाठ करते हैं, साधनाएँ करते हैं। तो ऐसे में जब आप ये सारे नियम अपनाएंगे तो आपकी जो पूजा होती है या जो आप साधना करते हैं उसमें आपको जो फल मिलने वाला होता है या जो आपको अनुभव होने वाले होते हैं वो जल्दी होने लगते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जप करते हैं, अगर आप भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जप करते हैं तो तुलसी की माला से जप करिए। तो अगर आप किसी और माला से जप करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप तुलसी की माला से जप करेंगे तो उसका जो प्रभाव होता है वो अलग होता है। जो भी शक्तियाँ होती हैं, जो शक्तियों के जो सामान होते हैं या जिन शक्तियों की जो चीज़ें होती हैं, जो उन पर अर्पित होती हैं या जो उन्हें पसंद होती हैं, अगर हम वो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उनकी साधना में, उनकी पूजा में, या उनको भोग अर्पित करते हैं जो उनके पसंद का होता है, तो वो उन चीज़ों से ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो मन का भाव होता है। आपको मन का भाव हमेशा अच्छा रखना होता है। जल्दी जल्दी मंत्र जपने के चक्कर में मत रहिएगा। जल्दी जल्दी मंत्र जपने में कभी कभी मंत्रों के उच्चारण गलत हो जाते हैं और हम जो आवृत्ति बना के भगवान के पास भेजने की कोशिश करते हैं या जो हम ब्रह्मांड में एनर्जी भेजने की कोशिश करते हैं उसमें बाधा आती है। तो मंत्रों का उच्चारण आप बिल्कुल सही से करिए। भले आप वाचिक जप करें या आप मानसिक जप करें या पांशु जप करें, कोई भी जप करें, तो जो मंत्रों का उच्चारण है उस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो आपको अनुभव होना शुरू हो जाएंगे। अनुभव का अर्थ यह है कि कई तरह से अनुभव होते हैं। कुछ लोगों को जो अनुभव होते हैं वो हल्के हल्के अनुभूति होना शुरू हो जाती है। अनुभूति होने का अर्थ यह है कि आपको ऐसा लगेगा कि आपके आसपास कोई है, लेकिन आपको वो चीज़ें हाँ थोड़ा सा हल्का सा डर लग सकता है अगर आपने पहले कभी इस तरह से अनुभव नहीं किया है, लेकिन वो चीज़ें आपको थोड़ा सा आनंद देने वाली होंगी, मतलब आपको अच्छा फील कराएंगी। हो सकता है कि आपके आज्ञा चक्र पे कोई चीज़ें दिखने लगें। आप जिन भी देवी देवताओं के मंत्रों का जप कर रहे हैं तो ये संकेत आपको मिलने लगते हैं। अगर आपका हृदय साफ है और आप मन से उपासना कर रहे हैं या साधना कर रहे हैं, आप हृदय से मंत्रों को जप कर रहे हैं और मंत्र की ऊर्जा और आपकी ऊर्जा एक होती जा रही है, तो आपको अनुभव भी होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप सात्विक मंत्रों का जप करते हैं, जो देवी देवताओं से संबंधित मंत्र हैं, तो
इसमें कोई शक नहीं होता है कि कोई भी गलत शक्ति आपके पास आएगी, कोई भी गलत शक्ति आपके पास नहीं आएगी, बल्कि जो गलत शक्तियाँ होंगी वो दूर भाग जाएंगी। आपके पास में सात्विक शक्ति ही आएगी, जो देवी देवताओं के आप मंत्रों का जप कर रहे हैं उनके गढ़ आते हैं, वो आपको देखते हैं कि आप किस तरह से उन भगवान की आराधना में लीन हैं, आप किस तरह से साधना कर रहे हैं, किस तरह से तपस्या कर रहे हैं। वो खाली ये नहीं देखते हैं कि आप कितनी देर बैठ के जप कर रहे हैं, वो आपके पूरे दिन की दिनचर्या देखते हैं, पूरे दिन देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कैसा आपका दिनचर्या, आप पूरे दिन लोगों के प्रति कैसे रहते हैं, आपके हृदय में लोगों के प्रति क्या है, तो ये सारी चीज़ें वो देखते हैं। उसके बाद ही आपको अनुभव होना शुरू होते हैं। खाली आप ये सोचो कि आपने 2 लाख जप कर लिया, आपने 5 लाख जप कर लिया, लेकिन आपको कुछ नहीं हुआ, आपको कोई फील नहीं हुआ, तो हो सकता है कि आपका जो मंत्र जप है वो हृदय से ना हो रहा हो, या हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ कमी रह रही हो जिसकी वजह से आपको अनुभूतियाँ नहीं हो पाती हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ संकेत ऐसे होते हैं जिनको हम समझ ही नहीं पाते हैं कि संकेत हो रहा है या शक्तियाँ हैं वो संकेत देने की कोशिश कर रही हैं। जैसे आप दीपक जलाते हैं और शुरू शुरू में आपने जब जब शुरू किया तो दीपक ऐसी साधारणता जलता रहा, फिर जब 8-10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 21 दिन हो गए, काफ़ी दिनों बाद आपने देखा कि उसमें फूल बनना शुरू हो गया, तो ये भी एक संकेत होता है। कहने का अर्थ ये है कि आप जिस चीज़ को साकार करने की कोशिश कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको संकेत देना शुरू कर देती है। देखिए, किसी भी देवी देवताओं का कोई स्वरूप नहीं होता है, स्वरूप वो होता है जो आप अपने हृदय में बसाते हैं, स्वरूप वो होता है जिसका आप चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, वो शक्तियाँ उसी स्वरूप में आपके सामने उपस्थित होती हैं। आप देख सकते हैं, आपने लोगों को घरों में देखा होगा, सभी के यहाँ माँ दुर्गा की फ़ोटो अलग होती है, सभी के यहाँ भगवान भोलेनाथ की फ़ोटो अलग होती है, सभी के यहाँ भगवान श्री कृष्ण की फ़ोटो अलग होती है, सभी के यहाँ हनुमान जी की फ़ोटो अलग होती है, तो ये क्या सब अलग अलग है? नहीं, अलग अलग नहीं है, ये आपकी आस्था और विश्वास से ही स्वरूप लेते हैं। जिस आस्था से, जिस विश्वास से आप उनको याद करते हैं, जिस चित्र को आप अपने मन में अंकित करते हैं, वो उसी चित्र में आपके सामने प्रस्तुत होते हैं, उसी रूप को लेके आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। आप जिस रूप में उनको याद करेंगे, जिस रूप में आप उनकी पूजा करते हैं, जिस रूप में आप उनकी आराधना करते हैं, उसी रूप में वो आपको अनुभूति कराएंगे, उसी रूप में आपको दर्शन देना शुरू करेंगे। अनुभूतियाँ धीरे धीरे शुरू होती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मंत्र जप करते करते हमें कुछ एहसास नहीं होता है, लेकिन जीवन बदलने लगता है। जीवन बदलने का अर्थ यह है कि आपके बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं, बहुत सारे कार्य जहाँ जो आपके फंसे होते हैं धीरे धीरे उनका काम होने लगता है, आपके जीवन में जो बहुत सारा तनाव होता है वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाता है, आपके जीवन में जो परेशानियाँ होती हैं वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाती हैं, आपको रास्ते मिलने लगते हैं आगे बढ़ने के लिए, आपको अपने जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें होने लगती हैं जो आपको होने के बाद आपको ऐसा एहसास होगा कि ये तो हो ही नहीं सकता था आपके जीवन में, लेकिन फिर भी वो हो गया। कहने का अर्थ यह है कि वो शक्तियाँ ये सारी चीज़ें करने लगती हैं, और हो सकता है कि आपको मंत्र जप करते समय कोई अनुभूति ना हो, लेकिन ये सब चीज़ें बदल रही हैं, मतलब आपको संकेत मिल रहा है। तो दीपक में फूल बन जा रहा है, तो ये भी एक संकेत है एक तरह से संकेत। देखिए, आकृति कोई भी बन सकती है, लेकिन कोई सुंदर सी आकृति बन जाए, जैसे आप भोलेनाथ के मंत्रों का जप करें, त्रिशूल बन जाए, ओम बन जाए, तो ये एक आपने उसको आकार दिया है, ये आपकी श्रद्धा का आकार है, आपके तपोबल का आकार है, तो आप सोचिए संकेत है एक तरह, क्योंकि उसमें तो बन तो कुछ भी सकता था, लेकिन वही चीज़ क्यों बनी, है ना। तो ये एक संकेत होता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण का मंत्र जप करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण का आकार जैसा बनने लगे, सर्वोत्तम ये रहता है कि उसमें गुलाब की पंखुड़ी जैसी बन जाए, हृदय का आकार जैसे बन जाए, वो सर्वोत्तम होता है। वो किसी भी साधना में अगर बनना शुरू हो जाता है तो आप ये सोच लीजिए कि आप उन लोगों से इतना हट गए हैं, उन लोगों से इतना दूर हो गए हैं जो लोग पूजा पाठ में साधारणता है, आप उनसे बहुत ज़्यादा अलग हो गए, आपकी पूजा पाठ उनके पूजा पाठ से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आपका जो लेवल है उस लेवल से आप बढ़ चुके हैं। आप जैसे अगर वो पहले लेवल में है तो आप 4th, 5th, 6th लेवल में पहुंच चुके हैं, तो आपकी आराधना उस लेवल तक पहुंच जाती है, तब आपको संकेत मिलना शुरू होते हैं। तो जब भी आप जप करते हैं तो आपको संकेत जरूर मिलते हैं, उन संकेतों को पहचानना आवश्यक होता है, जानना आवश्यक होता है, और सभी की अनुभूतियाँ अलग अलग होती हैं। ऐसा नहीं है कि जो अनुभूति एक व्यक्ति को हुई वही अनुभूति दूसरे व्यक्ति को हो जाएगी, या जो फोटो भगवान की है, भगवान जो एक व्यक्ति को दिख रहे हैं वही दूसरे व्यक्ति को दिख जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आप जिस रूप में उनको देखना चाहेंगे उसी रूप में आपको दिखेंगे, जिस रूप में आपने उनकी पूजा की है वही रूप आपके सामने आएगा, तो ये सारे संकेत आपको मिलने लगते हैं जब आप मंत्र जप करते हैं।
आशा है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।